चंद्रयान थ्री रो सफलता परे वर्तमान समस्त नजर सूर्य मिशन उपरे एवं एने अधिक आलोचना करने नेहरू प्लानेटोरियम प्रोग्रामिंग मैनेजर प्रणा चंद्रा जी आम सहित अच्छा मैम चैनल को स्वागत करता हूँ। मैम क्या बोलेंगे चंद्रयान थ्री के बाद कितने उत्साह है सबके अंदर, आप कितने खुशी है आज की दे? डेफिनेटली बहुत ज्यादा खुशी है। चंद्रयान के बाद हम लोग सूर्य पे जाने वाले हैं, सूर्य के लैग्रेंज 1 पॉइंट पर जाने वाले हैं और सन पे अपनी पकड़ बनाने वाले हैं। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा दिन है भारत के लिए और साथ ही साथ हमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग करेगा ये। अगर इन आंकड़ों की बात करें तो हमने चंद्रमा को समझा, अब हम सूर्य को डिटेल में समझ पाएंगे। सबसे जो किंग बोला जाता है वो सूर्य को बोला जाता है, सूर्य के बिना पृथ्वी क्या कोई प्लैनेट संभव नहीं है। तो वहाँ पे हम जा रहे हैं, ऑलरेडी बहुत सारे कंट्री गए हैं, हमारे रिसर्च में क्या क्या नया चीज उभरता है? जी हम लोग L1 पॉइंट पर जा रहे हैं। L1 पॉइंट वो सबसे सेफ पॉइंट है, लैग्रेंज 1 बिंदु, जहाँ पर दोनों ही बॉडी का, सेलेस्ट्रियल बॉडी का गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इक्वल हो जाता है। तो वो ना अपनी तरफ खींच पाएगा सन, ना पृथ्वी की तरफ खींच पाएगा। तो ये सेफेस्ट बिंदु है जहाँ पर हम उतरेंगे और 24/7 मतलब कंटिन्यूसली सन को ऑब्जर्व करेंगे, उस पर होने वाले केमिकल रिएक्शन को, केमिकल प्रोसेस को समझेंगे और साथ ही साथ जो फ्लेयर्स रिलीज होती हैं उस पर, जो मैक्सिमा रिलीज होता है, सन फ्लेयर्स रिलीज होती हैं उस पर, स्पेस वेदर पे उसका क्या असर पड़ता है उसको बेहतर समझ पाएंगे। L1 पॉइंट की बात की जा रही है, सबसे सब पे वही नजर है, तो वहाँ पे क्या डेंजर मार्क रहेगा और वह L1 को लेकर क्या बोलना है? जी वो सबसे सेफ है, उसपे वो डेंजरस पॉइंट नहीं है, इसलिए उसको सेलेक्ट किया गया है क्योंकि वहां पर जो है वो हेलो ऑर्बिट में, मतलब वो उस पॉइंट पर दोनों ही बॉडी का गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशनल पुल काम नहीं करेगा, तो वो गोल गोल क्राफ्ट वहां पर घूमता रहेगा और कॉन्टिन्यूसली 24/7 सन को ऑब्जर्व करता रहेगा। ये पॉइंट इतना सेफ होने के साथ साथ सन को कॉन्टिन्यूसली स्टडी कर सकता है क्योंकि इसपे इस दौरान ग्रहण अगर होता है उसका भी असर नहीं पड़ेगा, अकल्टेशन अगर होता है उसका भी असर नहीं पड़ेगा। तो हम 24/7 सन को L1 पॉइंट से ऑब्जर्व कर पाते हैं। L2 की बात करें, L2 पॉइंट पे नासा का JWS जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो वहां पर स्थित है, वो वहां से दूर से सन के आंकड़े ले रहा है और भारत का ये जो है वो L1 पॉइंट से सन के आंकड़ों को लेगा। कितने साल तक काम करेगा मैम? मिशन का टाइम की बात की जाए तो कितने साल तक इसरो? जी ये 4 months 4 महीने का लगभग समय लगेगा इसको पहुंचने में वहां पर L1 पॉइंट पर पहुंचने के लिए और उसके बाद ये 5 साल के लिए मिशन जो है वो काम करेगा। एक्टिव रहता है तो काम? हाँ अगर उसके बाद भी एक्टिव रहता है तो डेफिनेटली वो बोनस होता है, लेकिन जो एक प्रोफाइल होता है मिशन को बनाते वक्त ये डिसाइड किया जाता है वो कितने ड्यूरेशन के लिए काम करे, एक्टिवली काम करे तो वो 5 साल का समय रहेगा जब ये काम करे। L1 का सक्सेस के बाद चंद्रयान पे 3 पे भी सक्सेस मिल चुका है, इंडियन स्पेस साइंस का कितना बड़ा दबदबा हो सकता है आगे के दिन? डेफिनेटली चंद्रयान ने इंडिया को ग्लोबली बहुत ही एक्सेप्टेंस दिलाई है और इंडिया हैड बिकम वन ऑफ द स्ट्रांग लीडर्स फॉर टॉक ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो वहां पर ग्लोबली हमें बाकी देशों ने भी काफी सराहा है कि हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत रिलायबल टेक्नोलॉजी है, साथ ही साथ हमारे वैज्ञानिकों की जो मेहनत है उसको सराहा है। और डेफिनेटली आदित्य L1 इसमें एक बार और रेज कर देगा कि हमने चांद को समझने के साथ साथ अब सूरज को भी समझने का प्रयास किया है। आपण शुणुले चंद्रा मैडम आम को डिटेल रे कहते जमती कि चंद्रयान 3 रो सफलता परे वर्तमान पूरा विश्वर नजर रही सूर्य जान उपरे भारत रो आदित्य L1 मिशन परे, तेमे निश्चित भाव आम आशावादी अच्छु ये मिशन सफलता पाइब और विश्वर भारत रो स्पेस विज्ञान रे दबदबा वृद्धि हे। नेहरू प्लानेटोरियम कैमरा पर्सन नीरज सैदगवा अर्गस न्यूज।